Subscribe now to receive new updates every day. भारत के ही एक खिलाड़ी डेब्यू के बाद कभी नहीं हुए टीम से बाहर, नंबर एक है सबका बाप। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम में ऐसे कई खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से टीम इंडिया को बहुत ऊंचाई पर ले गए हैं और साथ ही अपने नाम कई बड़े बड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं। आज हम आपको उन तीन खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने भारतीय टीम में डेब्यू करने के बाद कभी खराब प्रदर्शन नहीं किया और इस कारण उन्हें टीम से कभी बाहर नहीं निकाला है। तीन, सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था और अपना आखिरी मुकाबला 2013 में खेला था। इस दौरान उन्हें खराब प्रदर्शन के कारण एक बार भी टीम से बाहर नहीं किया गया। दो, महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय टीम के विस्फोटक और सबसे बेहतरीन विकेटकीपर अपने शानदार प्रदर्शन के लिए काफी प्रसिद्ध है। महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2004 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, लेकिन अभी तक खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें टीम से बाहर नहीं किया गया है। एक, विराट कोहली। वर्तमान भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली भी इस सूची में शामिल है। कोहली ने 2008 में डेब्यू किया था और इसके बाद उन्होंने एक भी ऐसा मौका नहीं दिया कि उन्हें टीम से बाहर किया जाए। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट।